हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की वीडियो का रिएक्शन। एंड इनको कहा जाता है कि एक ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ इस्लाम है, और सब इनकी पूरी अभी रियल हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है। सो देखते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स में ये वीडियोज़ भेजी हुई हैं। जब हम रिसेंटली वो सारी वीडियो बांगीदर वाली वीडियोज़ देख रहे थे, तो बता रहे थे कि लाइक ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ इस्लाम है। सो देखते हैं फिर इस वीडियो में क्या होता है। और मुझे भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि लाइक क्या इन्होंने ऐसा करा कि इनको ग्रेटेस्ट वॉरियर बोलते हैं। इन्होंने मतलब लाइक ऐसे तो हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे वॉरियर्स हैं, लेकिन इनको सबसे बड़ा बोला है, तो उसका ऑब्वियसली कुछ तो रीज़न होगा। तो ये देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया है जिनको ग्रेटेस्ट वॉरियर बोलते हैं। तो फिर देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही, और साथ में देखा जाए तो हमें जितना पता है, हमें मुगलों के बारे में ज्यादा पता है, पर ये वाले जो पूरा एक इनका फैक्शन है, लाइक पूरा इस्लाम में क्या हुआ था, कैसा हुआ था, उसके बारे में नहीं पता है। सो देखते हैं ये वीडियो कैसी होगी। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आप में से कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे कि जो इस्लाम के इतिहास में सलाहुद्दीन अयूबी जैसे इंसान की अहमियत को बखूबी जानते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों की तादाद ऐसी होगी कि जो इस महान शख्स से भी वाकिफ नहीं होंगे। और उसकी सबसे मेन वजह यही है कि आज हमारी नई जनरेशन्स ने अपना हीरो आयरन मैन, सुपरमैन और बैटमैन जैसे बड़े बड़े फर्जी करेक्टर्स को बना रखा है, जिनका असल में इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं है। हालांकि वो अपनी तारीख के उन बड़े करेक्टर्स को भूल गए हैं कि जिनकी बदौलत मुसलमानों ने आज इस दुनिया में अपने वजूद को बाकी रखा हुआ है। दोस्तों, फिलिस्तीन के यरूशलम में मौजूद मस्जिद अक्सा, जिसे हम बैतुल मक़दिस के नाम से भी जानते हैं, वो दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है कि जिस जगह पर तीन धर्मों के मानने वाले लोग अपना अपना हक जताते हैं। यानी मस्जिद अक्सा एक ऐसी जगह है कि जो ईसाई धर्म में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वहीं दूसरी तरफ यहूदी भी उसे अपनी अहमियत देते हैं, और तीसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा उसे अपना समझते हैं, और बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम का दिल माना जाता है। उसकी वजह यह है कि बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का क़िबला अव्वल है, यानी काबे से पहले उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती थी, और यही वजह है कि इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। यानी इस्लाम में काबे के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी इमारत का समझा जाता है, तो वो बैतुल मुक़द्दस ही है। बैतुल मुक़द्दस से तीन मजहबों की अकीदत के जुड़े होने की वजह से ही हमेशा से ही मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान इस पर अपना हक जताने के लिए जंगें होती आई हैं, और ये कभी यहूदियों के हाथ में रहा, कभी ईसाइयों के, तो कभी मुसलमानों के भी हाथ में आया। लेकिन अफसोस, आज ये मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बहादुर योद्धा के बारे में कि जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, और उस शख्स को दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जितनी इज्जत की निगाहों से मुसलमान देखते हैं, उतनी ही इज्जत की निगाहों से गैर मजहब यानी ख़ास तौर से ईसाई के लोग भी देखते हैं। हालांकि हम सब लोग बखूबी जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से ही फतह किया था, यानी ईसाइयों से छीना था। उसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को ईसाई भी बड़े ही इज्जत की निगाह से देखते हैं? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप लेते हो वो तो कभी कुछ होता नहीं, आपसे सब्सक्राइब करते हुए साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए, ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोज का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में हुई। आपका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब था। आपकी सल्तनत को अयूबी सल्तनत के नाम से जाना जाता है। आपकी सिपे सालारी में आपकी फ़ौज ने बहुत सारे इलाकों को फतह किया, और सबसे ख़ास बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इस्लाम में इसलिए भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये वो मुजाहिद थे कि जिन्होंने इस्लाम में काबे के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाने वाली इमारत यानी बैतुल मुक़द्दस को ज़ालिम ईसाइयों के हाथ से छीन कर फतह कर लिया था, और उस पर मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी थी। ईसाइयों ने मुसलमानों से जब बैतुल मुक़द्दस को छीना और बैतुल मुक़द्दस पर फतह हासिल की, तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम की हदें पार कर दी। बैतुल मुक़द्दस की कहानी शुरू होती है काफ़ी लंबे वक्त पहले से। हज़रत उमर फारूक आज़म के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया था, और उसके बाद तकरीबन 3 सदियों से ज़्यादा मुसलमानों के पास ही इसकी बागडोर रही। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मुसलमान कमज़ोर पड़ने लगे।
मुसलमान छोटे छोटे फ़िरकों में बढ़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त की मुस्लिम सल्तनत जो कि सलजूक सल्तनत थी वो कमज़ोर पड़ गई और धीरे धीरे फिलिस्तीन सीरिया जैसे इलाकों पर ईसाइयों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और आखिरकार 1099 में ईसाइयों ने मुसलमानों से बैतुल मुकद्दस को भी छीन लिया। मुसलमानों के हाथों से जब बैतुल मुकद्दस निकल गया और वहाँ पर ईसाई जालिमों की हुकूमत हो गई तो पूरी इस्लामी दुनिया में मातम की लहर छा गई, क्योंकि यकीनन बैतुल मुकद्दस को इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो बैतुल मुकद्दस इस्लाम का एक दिल है, लिहाजा इसी वजह से हर बंदा परेशान था कि अब क्या होगा। ईसाइयों ने फिलिस्तीन में लाखों मुसलमानों का खून बहाया, छोटे छोटे बच्चे बूढ़ों औरतों किसी को भी नहीं बख्शा, यहाँ तक कि हालत ऐसी हो गई कि फिलिस्तीन के पूरी ज़मीन पर मुसलमानों का खून ही खून नज़र आ रहा था। उसके बाद कई मुस्लिम हुक्मरानों ने लगातार बैतुल मुकद्दस को फतह करने की कोशिश की, लेकिन हज़ारों शहादतों के बावजूद भी हर हुक्मरान नाकाम रहा और बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों को फतह नसीब नहीं हो पाई। आखिरकार हमेशा की तरह वक्त ने फिर से अंगड़ाई ली और पैदाइश होती है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम था नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन जंगी ने अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बैतुल मुकद्दस को फतह करना है और उनके पास एक ऐसा मेंबर भी मौजूद था जो उन्होंने ये ख्वाहिश करके ही बनवाया था कि जब मैं बैतुल मुकद्दस को फतह करूंगा तो उस मस्जिद में इस मेंबर को नसब करूंगा, लेकिन अफसोस खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर था। नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में एक आम सिपाही था जिसका नाम था सलाहुद्दीन अयूबी। धीरे धीरे सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी होशियारी और बहादुरी के दम पर नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में आला से आला मनसब हासिल करना शुरू कर दिए और एक वक्त ऐसा आया कि सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के गवर्नर बना दिए गए। जब नूरुद्दीन जंगी की वफात हुई तो कोई भी ऐसा काबिल शख्स मौजूद नहीं था कि जो उनकी जगह पर तख्त पर बैठ सके, लिहाजा तमाम लोगों ने मुत्तफिक होकर नूरुद्दीन जंगी की पूरी सल्तनत सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों में सौंप दी और लिहाजा सलाहुद्दीन अयूबी को भी वो मौका मिला जिनकी उसको हमेशा से वो राइज का स्टोरी भी कितना जबरदस्त है, को फतह करने का। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र के तख्त पर बैठते ही अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था और वो मकसद था बैतुल मुकद्दस को फतह करना। उनके दिमाग में हमेशा यही चीज चलती रहती थी कि किस तरह हम अपने आबाओ अजदाद की उस चीज को वापस लें जो हमसे छीन ली गई है। और सबसे बड़ी हैरत की बात ये थी कि जिस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को तख्त पर बिठाया गया उनकी उम्र सिर्फ 21 से 22 साल थी। अब आप सोच सकते हैं कि उनके अंदर कितनी काबिलियत मौजूद थी। कहा जाता है कि जब सलाहुद्दीन गवर्नर कब बन गए थे, तख्त पर बिठाए गए तो उस वक्त मिस्र के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। मुसलमान छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ चुके थे, जिनाकारी और शराब पीना बहुत ज़्यादा आम हो चुका था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस थे। उन्हें जहां एक तरफ बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए अपने मिशन को आगे बढ़ाना था तो वहीं दूसरी तरफ शराब और जिना जैसे बुरी बुरी चीज़ों से भी अपनी सल्तनत को छुटकारा दिलाना था। मिस्र के हालात उस वक्त ऐसे हो चुके थे कि एक मुसलमान और गद्दार को पहचानना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वहाँ पर जहाँ एक तरफ ईसाई मुसलमानों के लिबास में घुस चुके थे तो वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों ने मुसलमानों में ही खरीदो फरोख्त करके अपने एजेंट लगा रखे थे। पता ही नहीं चल पाता था कि कौन अपना है और कौन बेगाना। उस दौर की ईसाई हुकूमत में खूबसूरत लड़कियां और शराब बहुत ज़्यादा कारगर मानी जाती थी, यानी उन लोगों का ये मामूल था कि वो जब भी किसी ऐसे इंसान को देखते थे कि जिसे देखकर उन्हें ये महसूस होता था कि ये दुश्मन हमारी टक्कर का दुश्मन है या हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत दुश्मन है, तो वो उसके खिलाफ शराब या लड़कियों को इस्तेमाल किया करते थे। और अफसोस उनकी इस नापाक साजिश में बहुत से मुस्लिम हुक्मरान फंस भी जाया करते थे। दोस्तों, जब सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह करने का इरादा किया तो उनके इस इरादे की खबर भी मुस्लिम गद्दारों के ज़रिए से मिस्र से फिलिस्तीन पहुंच गई। लिहाजा बैतुल मुकद्दस की जब ईसाई हुकूमत को ये पता चला कि सलाहुद्दीन अयूबी नामी एक मजबूत सिपे सालार फिर से उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों ने सलाहुद्दीन अयूबी के ख़िलाफ़ भी वही चाल चली जो वो हमेशा से चलते आ रहे थे, यानी शराब और लड़कियों का इस्तेमाल करना। मिस्र की मुसलमानों की हुकूमत की फ़ौज में ही एक कमांडर था जिसका नाम था नाज़ी। ये देखने में तो बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन अंदरूनी तौर पर पक्का ईसाइयों का एजेंट था।
बैतुल मुकद्दस के ईसाइयों ने इस एजेंट के ज़रिए से कई बार ये कोशिश की कि सलाहुद्दीन अयूबी को शराब पिलाई जाए, लिहाजा नाजी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो सलाहुद्दीन अयूबी को शराब पिलाए। कई जगह महफिल में उसने पेशकश की, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उसकी इस चाल को अपने सामने ज़र्रा बराबर भी टिकने ना दिया। सलाहुद्दीन अयूबी ने कभी भी शराब को पीना तो दूर हाथ तक नहीं लगाया, लिहाजा नाजी को जब इस बात का यकीन हो गया कि सलाहुद्दीन अयूबी इस शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा, तो फिर उसने नाकाम होकर अपना दूसरा वाला फार्मूला अपनाया, और वो दूसरा वाला फार्मूला था लड़की का फार्मूला। लिहाजा उसने एक रात एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की को अपने काम के लिए राज़ी कर लिया। उस खूबसूरत लड़की को राज़ी करने के बाद वो नाजी जनरल जो ईसाइयों का एजेंट था वो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास गया और उसने सुल्तान से कहा कि सुल्तान एक लड़की आई है जो बहुत दूर से सफ़र तय करके आई है और वो आपसे मिलना चाहती है और वो बहुत परेशान है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल उस लड़की को जल्द अज जल्द अंदर बुला लिया जाए। लेकिन जाहिर है कि नाजी के इरादे तो कुछ और ही थे। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहा कि वो लड़की इस बात की भी जिद कर रही है कि वो आपसे अकेले में मिलना चाहती है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आप समझ चुके थे कि ये नाजी जो अंदरूनी तौर पर ईसाइयों का एजेंट है ये आपको किस जाल में फंसाना चाहता है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने खेमे में जा रहा हूँ और उसे उस खेमे में भेज दिया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की इजाज़त मिलने के बाद उस गद्दार कमांडर ने उस लड़की को ये मशवरा दिया कि तुम्हें जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ गलत हरकतें करना है और उनको अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश करना है, और साथ ही उससे ये वादा किया गया कि अगर तू सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को एक गिलास भी शराब पीने के लिए राज़ी कर लेगी तो तुझे वो सब कुछ दिया जाएगा जो तेरी मर्ज़ी होगी। लिहाजा इस इरादे के साथ वो लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे की तरफ रवाना हुई, लेकिन जैसे ही वो लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में दाखिल हुई तो फौरन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने कंधों से चादर उतार कर उस लड़की को वो चादर दे दी और उससे ये कहा कि इस चादर से अपने बदन को ढक लो। ये सुनते ही वो लड़की अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हुई। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बड़े ही मोहब्बत के साथ उस लड़की से ये सवाल पूछा कि ऐ लड़की तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। ये सुनकर वो लड़की खामोश हो गई, क्योंकि जाहिर है कि उसे ये खबर नहीं थी कि उसके माँ बाप कौन हैं, क्योंकि उस वक्त ईसाई हुकूमत के लोग यतीम बच्चों को कैदी बना लिया करते थे और उनमें से जो भी खूबसूरत लड़कियाँ हुआ करती थीं उनकी बचपन से ही इसी काम के लिए परवरिश किया करते थे। उसके बाद वो लड़की सिसक सिसक कर रोने लगी और हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहने लगी कि उन लोगों ने मुझे आपके साथ गलत काम करने के लिए भेजा था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आपने उस लड़की से फरमाया जाओ और अपने सरदारों से कहना कि तुमने मुझे जो काम सौंपा था मैंने वो काम कर दिया है। उस लड़की ने जाकर अपने सरदारों से यही कहा और उस लड़की की ये बात सुनकर तमाम ईसाई लोग खुश हो गए। उन्हें ये लगा कि शायद वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। अगली सुबह होते ही नाजी कमांडर यानी जो ईसाइयों का आदमी था और मुसलमानों की फ़ौज में रहा करता था उसने ये गदर मचाना शुरू कर दिया कि देखो हमारा सुल्तान तो एक शराबी है, हमारा सुल्तान तो एक जिनाकार है। तमाम लोग इससे बड़ी हैरत में पड़ गए और लोगों के दरमियान फूट पड़ना शुरू हो गई। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने खेमे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पूरे महल में उनके बारे में यही बातें गर्दिश कर रही हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरन फरमाया कि तुम लोग मुझ पर इतनी बड़ी बड़ी तोहमत लगा रहे हो, कम से कम एक बार उस लड़की से तो पूछो जिसके बारे में नाजी कमांडर दावा कर रहा है। लिहाजा उस लड़की को बुलाया गया। उस लड़की ने तमाम लोगों के सामने ये जवाब दिया कि कसम है मुझे उस खुदा की जिसको मैं मानती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से ज्यादा कमांडर की हालत खराब हो जाएगी नहीं देखा है, क्योंकि रात भर मैं इनके खेमे में रही उसके बावजूद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कोई गलत काम करना तो दूर मेरी तरफ गलत निगाह से भी नहीं देखा। लिहाजा जब लड़की ने ये जवाब दिया तो तमाम लोगों के सामने उस नाजी कमांडर की किरकिरी हो गई और उसका मुंह काला हो गया। ईसाइयों की जब ये लड़की और शराब दोनों साजिशें नाकाम हो गईं तो उसके बाद भी उन्होंने मुसलसल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ साजिशें जारी रखीं, लेकिन वो हर साजिश में नाकाम हुए जाते थे। लिहाजा उन लोगों को डर सताने लगा था कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कैसे निपटा जाए, वरना एक दिन वो आएगा कि ये बैतुल मुकद्दस को हमारे हाथों से छीन लेगा।
आखिरकार जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र की तमाम मुसीबतों से छुटकारा पा लिया और मिस्र में अपनी सल्तनत को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया, तो फिर उन्होंने बैतुल मुकद्दस के रास्ते पर रवाना होने का इरादा किया। बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए मिस्र से निकल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उनकी फौज के लोगों में जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और उन लोगों की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, बैतुल मुकद्दस की फतह। और फिर खित्तीन के मैदान में ईसाई और मुसलमानों की फौजें आमने सामने हुई। बहुत ख़तरनाक जंग शुरू हुई जिसमें मुसलमानों की फौज ने ईसाइयों की फौज का सफाया करना शुरू कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खूंखार फौज जालिम फौज का सफाया करते हुए बैतुल मुकद्दस की तरफ अपने कदम धीरे धीरे बढ़ा रही थी और खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फौज का जोश बढ़ाने के लिए अपनी फौज के दरमियान में आकर ईसाइयों के साथ जंग कर रहे थे। हजारों जालिम फौजियों को कत्ल कर दिया गया और हजारों ईसाई सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाई और बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया और उसी दिन से मसीही हुकूमत का वहां से खात्मा हो गया और मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी पूरी अजीम फौज के साथ पूरी शान शौकत के साथ बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। जब बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों ने फतह किया तो वहाँ के ईसाई लोगों को यही उम्मीद थी कि शायद उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब हम लोगों ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था तो हमने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा उस वक्त की ईसाई फौजों ने मुसलमानों के साथ किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम ईसाइयों को फिदिया लेकर वहाँ रहने की इजाज़त दे दी और जो लोग गरीब थे, फिदिया नहीं दे सकते थे, उनका फिदिया खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उनके भाई ने अदा किया। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नूरुद्दीन जंगी का वो मिंबर बैतुल मुकद्दस में नसब कर दिया जो मिंबर नूरुद्दीन जंगी ने इस ख्वाहिश के साथ बनाया था कि जब वो बैतुल मुकद्दस को फतह करेंगे तो उसमें ये मिंबर रखा जाएगा। लेकिन देखिए खुदा को क्या मंजूर था कि नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी। बैतुल मुकद्दस की फतह की खबर जब पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल गई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नाम के एक इंसान ने बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया है, तो तमाम दूसरी ईसाई हुकूमतों में तहलका मच गया। देखते ही देखते तमाम ईसाई हुकूमतों ने आपस में एकता कर ली और इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के तमाम देशों ने मिलकर एक फौज तैयार की। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपनी फौजों को लेकर फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। ईसाइयों की उस पूरी फौज की तादाद तकरीबन 6 लाख थी, वहीं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज की तादाद कुछ हज़ारों में ही थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलसल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तकरीबन 3 से 4 साल तक लगातार उस फौज का मुकाबला करते रहे। आखिरकार ईसाई फौजों को ये लगने लगा कि उन्हें अब कुछ हाथ नहीं आने वाला है, तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से सुलह करके वापस जाने का इरादा कर लिया। और आखिरकार इस तरह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी दुनिया में ये साबित किया कि वो अपने दौर के सबसे मजबूत, सबसे बहादुर और सबसे होशियार सिपहसालार हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक बहादुर और निडर जंगजू होने के साथ साथ बहुत नेक दिल इंसान भी थे। वो हमेशा बहुत ज़्यादा सबका किया करते थे। हर गरीब इंसान को वो अपने सीने से लगाया करते थे और उससे मोहब्बत से बातें किया करते थे। वो अपनी सल्तनत में हमेशा उन लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद किया करते थे जो गरीब और कमज़ोर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी रुपया कमाया उसका ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने सबका ही कर डाला। उनके पास कभी इतना पैसा भी जमा नहीं हो पाया कि वो हज का फरीज़ा अदा कर सकें। उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो एक बार हज ज़रूर करें, लेकिन वो जंगों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहे कि उन्हें इस चीज़ का मौका भी नहीं मिल सका। और दूसरी वजह यह भी थी कि उनके पास इतना पैसा ही जमा ना हो पाया कि उनके ऊपर हज फर्ज हो सके। अब मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर एक से बराबरी के साथ मिला करते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन सही में ग्रेटेस्ट वॉरियर ही थे हिस्ट्री के। लाइक उनके साथ इतना बुरा किया फिर भी क्रिश्चियन ने, फिर भी उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं करा, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ की लाइक उन्होंने मतलब इतना उन पर शराब के लिए या फिर उनके लिए बेसिकली उनको कहते हैं ना, उनको मतलब अट्रैक्ट करा, सेक्सुअली भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करवाई गई, फिर भी लाइक बेसिकली वो नहीं हुए। तो इससे पता लगता है कि वो कितना फोकस थे अपनी ज़िंदगी में और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, ठीक है। उन पर इतनी सारी चीज़ें हुई फिर भी उन्होंने कभी नहीं माना है वो चीज़, तो वो सही में आज के टाइम में ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। और उसके बाद लाइक
उन्होंने इतना उन्होंने मतलब दो लोगों के लिए बहुत कुछ करा, और उनका सपना था हज करने का, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे इतने कि वो कर पाए, क्योंकि वो बेसिकली उन्होंने लोगों की मदद करी, और चाहे उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ होगा फिर भी उन्होंने इतनी लोगों की हेल्प करी कि उनकी दुआएं उनको ज़रूर लगी होगी। और सीरियसली मेरे को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और ये चीज़ हम लोगों को मोटिवेट भी करती है कि हमें उन जैसा बनना चाहिए। वही वो किस तरीके से उन्होंने अपने सारी चीज़ों का पालन किया, लाइक उनको बहुत कोशिश किया गया उनकी तरफ से, क्रिश्चियंस की तरफ से, कि उनको शायद दारू पिला दी जाए या कुछ भी करा जाए, और उनका कुछ ना कुछ करके ध्यान बटाया जाए। बिकॉज नॉर्मली होता होगा कि उस टाइम पे एक बार आपको आदत लग गई तो आप कहना कि फिर से दारू पीते रहेंगे, या फिर एक बार जैसे वो करने की कोशिश की थी उनके कमांडर ने कि भाई अब हमारा राजा तो दारू पीता है तो अब क्या फ़ायदा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश थी, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर वो कमांडर को यहाँ पे उन्होंने गलत साबित कर दिया, बिकॉज ये होगा ना कि वो कमांडर को अगर डायरेक्टली निकालते तो उनके ऊपर सवाल उठते, लेकिन उन्होंने फिर वो उसको सबके सामने गलत प्रूव करवा के दिखाया। एंड फिर उन्होंने हर जगह अपनी स्मार्टनेस यूज़ की, एंड फिर किस तरीके से उन्होंने वो पूरा युद्ध लड़ा होगा वो भी मेरे ख्याल से बहुत स्मार्टली लड़ा होगा, बिकॉज इतनी बड़ी सेना थी तो उसके हिसाब से तो कुछ ना कुछ तो किया होगा। वो भी अगर थोड़ी डिटेलिंग से बताते ना तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा रहता, किसमें बताते कि उन्होंने क्या क्या टैक्टिक्स यूज़ की थी और किस तरीके से पूरा उन्होंने वो वॉर लड़ा था। तो बाकी ये बहुत कमाल की वीडियो लगी है, बहुत जबरदस्त लीडर लगे। तो आप लोगों को कैसे लगा आपको जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।